सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ डायमेंशन एनालिसिस, उसमें मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं और आप अपनी तरफ से कुछ सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत अगर होती है मैंने बताया था पूछ सकते हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हमारा न्यू चैप्टर है 11th क्लास के लिए एरर एनालिसिस। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा, इसमें हम लोग एरर एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर कैसे क्रिएट होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कितना हम छोटा सा छोटा मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम छोटा सा छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट कहेंगे। यानी लीस्ट काउंट हमें क्या बताता है कि हम जो छोटा सा छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंडिकेट टू लीस्ट काउंट, यानी वेरी वेरी स्मॉल मेजरमेंट, वेरी वेरी स्मॉल मेजरमेंट बाई इंस्ट्रूमेंट मेंट इंडिकेट टू लीस्ट काउंट। जो भी हम छोटा सा छोटा वेरी वेरी स्मॉल मीजर्ड कर सकते हैं, मीजिंग कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंडिकेट करता है लीस्ट काउंट को, याद रखिए। तो ये हर जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके अपने अपने लीस्ट काउंट होते हैं। जैसे जो हम लोग हमारा जो मीटर स्केल होता है जिससे हम लाइन खींचते हैं, उस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है मीटर स्केल, उसका हम लोग लीस्ट काउंट लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर, यह आपको पता होगा। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स होता है, हो सकता है बहुत लोगों ने देखा हो, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का भी अपना लीस्ट काउंट होता है, कैलिपर्स जो हमारा होगा उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। इसी तरह से हमारा स्क्रू गेज होता है, इसका भी लीस्ट काउंट होता है हमारा 0.001 सेंटीमीटर। ये तीन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं ज्यादातर फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए। और जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे एरर निकल के आते हैं। तो अगर हमारा मीटर स्केल है तो उसका लीस्ट काउंट याद रखिएगा 0.1 सेंटीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर्स से हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज है आपका तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये सभी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर लीस्ट काउंट आपको नहीं पता है इन इंस्ट्रूमेंट का तो आपको कहाँ तक मेजरमेंट करना है ये पता नहीं चल पाएगा। अब बात आती है कि एरर से रिलेटेड है टॉपिक चल रहा है हमारा, क्योंकि एरर क्या आपको बताता है कि जब भी हम किसी भी कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट हमारा का हमेशा रियल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है आपकी एरर निकल के आता है। यानी जो हमारी रियल वैल्यू होगी उसकी, उस रियल वैल्यू तक हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, उसमें एरर जरूर आएगा आपका। तो इसमें हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरमेंट करेंगे और पढ़ेंगे कि कितना हमारा एरर हो सकता है, कितना से कम हम उस एरर को कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज आपका आता है कि जैसे हमने मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है,
एक्यूरेसी का मतलब कितना एक्यूरेट हमने मेजरमेंट किया, और दूसरा होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन आपको क्या बताता है कि हमने जो भी मेजरमेंट किया उसकी लिमिट कहाँ तक हुई है, यानी किस लिमिट तक हमने मेजरमेंट किया है। तो ये याद रखिएगा, एक्यूरेट मीजर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। यानी यहाँ पे हम लोग सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आपको बताते हैं एक्यूरेसी का मतलब, एक्यूरेसी क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट टू कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट रियल वैल्यू के कितना नियरेस्ट है। क्या बताएगा, ये इंडिकेट करेगा कि मेजरमेंट जो हमने किया है वह रियल वैल्यू के कितने नियरेस्ट हुआ है। यानी क्या आपको ये इंडिकेट करेगा कि जो भी हमने मेजरमेंट किया है वह हमारी रियल वैल्यू के कितने नियरेस्ट हुआ है, ये आपको बताएगा एक्यूरेसी। यानी ऐसे कह सकते हैं इसको इंडिकेट टू मेजरमेंट वैल्यू हाउ मच नियर टू रियल वैल्यू, ये बताया आपको। यानी रियल वैल्यू के कितने नियरेस्ट हमने मेजरमेंट किया है वो आपको इंडिकेट करेगा एक्यूरेसी। और दूसरा क्या है आपका, हमारा है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या आपको इंडिकेट करेगा, प्रिसीजन ये इंडिकेट करेगा कि जो भी हमने मेजरमेंट किया है वो एक्यूरेसी की किस लिमिट तक है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को बताएगा, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को आप समझ रहे होंगे। जो भी हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी मेजरमेंट हुआ है उस एक्यूरेसी मेजरमेंट में वो किस लिमिट तक मेजरमेंट किया है, किया गया है प्रिसीजन में। यानी एक दूसरे लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं, ये लिमिट पर बताता है एक्यूरेसी मेजरमेंट की, यानी किस लिमिट तक, कहाँ तक आपने मेजरमेंट किया है। यानी जो रियल, यहाँ हमने ये सीखा कि जो एक्यूरेसी है वो क्या बताता है कि नियरेस्ट बताता है रियल वैल्यू के, और यहाँ पे क्या बताएगा जो हमने इसमें एक्यूरेसी में मेजरमेंट किया है, हमारा आया है मेजरमेंट करने पे, उस मेजरमेंट के रियल वैल्यू के किस लिमिट तक है। जैसे आपने यहाँ पे एक्यूरेसी मेजरमेंट किया, सपोज करिए 0.5.6 मीटर है, तो ये हमारा एक्यूरेसी में हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पर प्रिसीजन क्या इंडिकेट करेगा कि इस एक्यूरेसी के किस लिमिट तक हमने मेजरमेंट किया है, प्रिसीजन इंडिकेट करेगा। यानी ये जो 5.6 है आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट कहाँ तक गई है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक है, तो यही बताएगा आपका लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। यानी कौन इंडिकेट करेगा, प्रिसीजन बताएगा किस लिमिट तक हमने मेजरमेंट किया है।
तो एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस के थ्रू पढ़ते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होगा एक्यूरेसी और मेजरमेंट में। इसके लिए अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे अच्छे से। सपोज करिए कि एक रॉड है जिसको जिसकी रियल जो वैल्यू मेजरमेंट की गई है वो मतलब उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है रॉड की वो है 4.526 सेंटीमीटर। ये है रियल रॉड की। अब हमें अगर मान लीजिए मेजरमेंट करना कहा जाए कि आप जो है रॉड को मीटर स्केल से मेजरमेंट करिए, तो मीटर स्केल का जो मीटर लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है आप जानते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा मीटर स्केल है वो डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट तक ही एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, यानी उसकी एक्यूरेसी कहां तक होगी, 0.1 सेंटीमीटर तक। तो अगर हम मीटर स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट होगा वो हो सकता है, मान लीजिए मीटर स्केल से हमने किया वो आया 4.5 सेंटीमीटर, ये है मीटर स्केल से, ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया तो हमारा मेजरमेंट आया मान लीजिए 4.51 सेंटीमीटर, तो ये है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक। तो इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्केल का कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों मेजरमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो वर्नियर से हमने मेजर किया है वो मेजरमेंट हमें कहाँ तक मिला है, डेसिमल डिजिट से 2 डिजिट तक, यानी 2 डिजिट तक यहाँ पर वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया गया है और इसमें 1 डिजिट तक। तो इस वाले मेजरमेंट में लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कहाँ तक है, 2 डिजिट तक है। यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, 1 डिजिट तक है। इस बात को समझिए, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कहाँ तक है, 1 डिजिट तक। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इसमें कितना है, 0.51 सेंटीमीटर। तो अगर प्रिसीजन की बात करें तो इसमें इस वाले जो वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट किया है इसमें प्रिसीजन जो है हमारा अधिक होगा कंपेयर देन मीटर स्केल से। क्यों, क्योंकि प्रिसीजन अभी मैंने बताया था ये लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को बताएगा, यानी कि कितने लिमिट तक मेजरमेंट किया गया था। इसमें प्रिसीजन आपका अधिक होगा और इसमें प्रिसीजन कम होगा। प्रिसीजन आपको बताएगा कितने डिजिट तक हम डेसिमल के बाद मेजरमेंट कर सकते हैं, लिमिट बताएगा आपको कितने लिमिट तक। तो इसमें इन दोनों को कंपेरिजन अगर हम करें तो इसमें आपका प्रिसीजन क्या है, ग्रेटर है देन मीटर स्केल के। तो इसमें प्रिसीजन अधिक होगा, इसमें प्रिसीजन कम होगा। और एक्यूरेसी की बात करें तो ये आपका जो मोर एक्यूरेसी बात करें तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, इसकी एक्यूरेसी कम होगी। तो एक्यूरेसी अब क्योंकि इस ये जो हमारी वैल्यू है 4.5 ये रियल वैल्यू पे क्या है लगभग नियरेस्ट आ गया है, लेकिन ये 4.51 की आपको बता रहा है 2 डिजिट का मेजरमेंट किया गया है। तो अब ये एक्यूरेसी क्या हो गई है, आगे तक बढ़ गई है। तो इसमें आपका प्रोसीजर अधिक हो गया है और एक्यूरेसी कम हो गई है। तो ये इस तरह से एक्यूरेसी और मेजरमेंट को हम समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो मान लीजिए आपका आ गया 4.52 और
फोर आता है सेंटीमीटर। यह है आपका स्क्रू गेज से अपनी। तो स्क्रू गेज से मेजरमेंट करने पे आपको मेजरमेंट कहां तक मिलेगा, डेसिमल पॉइंट से 3 डिजिट तक मिलेगा, याद रखिए। तो इसमें भी क्या है, प्रेसिजन अधिक है और एक्यूरेसी क्या है, कम है। तो प्रेसिजन याद रखिए हमेशा डिपेंड करता है किस पे, प्रेसिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लीस्ट काउंट के। यानी जैसे आपने मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल का कितना लीस्ट काउंट होता है 0.1, तो उसमें जो प्रेसिजन आपको मिलेगा डेसिमल डिजिट से 1 डिजिट तक मिलेगा, दूसरे में प्रेसिजन ज्यादा हो जाता है, देखिए डेसिमल पॉइंट से 2 डिजिट तक, क्योंकि आपने वर्नियर से किया, वर्नियर का जानते हैं 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो वर्नियर आपका मेजरमेंट देगा वो डेसिमल डिजिट के डेसिमल से 2 डिजिट आगे तक देगा। तो लीस्ट काउंट जितना ही हमारा जैसा होगा उतना ही आपको उसमें प्रेसिजन मिलेगा। तीसरे में देखते हैं स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज का हमारा जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, यानी ये डेसिमल से 3 डिजिट तक मेजरमेंट देगा। तो लीस्ट काउंट आपका यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्रेसिजन इसमें भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो ये है डिफरेंस कैसे करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन की। ये आपका प्रेसिजन है क्योंकि ये लिमिट बता रहा है, कि ये लिमिट ये बता रहा है आपको, इंडिकेट कर दे रहा है कि रियल वैल्यू जो हमारी है उसके कितने नियरेस्ट पहुंच चुका है, नियरेस्ट पहुंचा है। इसमें ये आपको बता रहा है कितने डिजिट तक मेजरमेंट हुआ है, यहाँ पे भी बता रहा है कितने डिजिट तक मेजरमेंट हुआ है। तो याद रखिएगा एक्यूरेसी आपको क्या बताएगा कि किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो कितना एक्यूरेट मेजर्ड हुआ है और रियल वैल्यू के कितने नियरेस्ट है, ठीक है, यानी नियर वैल्यू के कितने नियरेस्ट बताता है। और प्रेसिजन जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो भी आपने एक्यूरेट मेजरमेंट किया है वो एक्यूरेट मेजरमेंट किस लिमिट तक हुआ है, यानी कहाँ तक उसने किस लिमिट तक मेजरमेंट करके बताया है। यहाँ पर देखिए एक डिजिट के बाद आपको एक डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर कितने डिजिट तक मेजरमेंट हुआ है, 1, 2 और इसमें 3। तो ये प्रेसिजन इंडिकेट करता है कितने लिमिट तक हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो ये याद रखिएगा ये 2 आपके मेन है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में कैसे हम डिफर कर सकते हैं। ये इसमें पूछा जाता है कि कौन मोर एक्यूरेट है और कौन इसमें मोर एक्यूरेसी है, इसमें लेस प्रेसिजन है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको एरर में ये हमारा सेकंड टॉपिक मैंने बताया आपको। अब इसके बाद हम लोग जो है एरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एरर है क्या चीज़, एरर का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर मीटर स्केल की बात की, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट को मैंने मीटर स्केल दिया, कहा कि इस रॉड को मेजरमेंट करके बताइए। तो पहले वाले ने मार्क सपोज करिए 4.5 सेंटीमीटर बताया, अब सपोज करिए दूसरा अगर स्टूडेंट है वही मीटर स्केल करके वो जब मेजरमेंट करेगा हो सकता है वो बता दे 4.4 बता दे मीटर स्केल से, तो अब दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एरर है। यानी एरर का मतलब कि दोनों के मेजरमेंट में कहीं ना कहीं क्या है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपने कुछ और मेजर किया, किसी और ने कुछ और मेजर करके बताया, लेकिन दोनों वैल्यू क्या हो, नियरेस्ट हो। तो मेजरमेंट में हमेशा एरर क्रिएट होता है, सबकी वैल्यू जो मेजर की जाती है कोई ज़रूरी नहीं हो एक्यूरेट आए, सबकी डिफर कुछ ना कुछ होता है, कुछ डिजिट हो सकता है, पॉइंट हो सकते हैं, ये बताता है।
तो इसी की वजह से एरर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अनसर्टेनिटी इन मीजरमेंट, जो भी अनसर्टेनिटी होगी मीजरमेंट में उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहा जाता है। यानी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अनसर्टेनिटी इन मीजरमेंट कॉल्ड एरर, ये डिफिनेशन है आपकी। यानी अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो भी अनसर्टेनिटी हो रही है मीजरमेंट में, चाहे आप दो लोगों का मैंने एग्जांपल दिया उनके बीच में क्या अनसर्टेनिटी हुई है डिजिट की, वही आपको क्या देगा, एरर बताएगा। यानी दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होगी, अनसर्टेनिटी आएगी, यानी दोनों के में एरर देखने को मिलेगा। तो एरर का मतलब द अनसर्टेनिटी इन द मीजरमेंट कॉल्ड एरर। तो आपसे गुजारिश करूँगा इन चीज़ों को आप घर पे पढ़िएगा और आगे ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, और कोई भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। इतनी चीज़ों को घर पे बैठकर पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें क्या है डिफिकल्ट, थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होंगी। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये दो चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको एरर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।